यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। वहीं प्रदेश के झांसी जिले का कटोरा ग्राम पंचायत आज भी सरकार की योजनाओं और बुनियादी सुविधाओं से महरूम नजर आ रहा है। गांव के लोग आज भी पानी, बिजली, सड़क और नाली जैसी समस्याओं से जूझ रहे हैं। गांव की महिलाओं का कहना है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना से मिलने वाले गैस सिलेंडर भी उनको नहीं मिले हैं। बीजेपी जो इस वक्त भारत के ज्यादातर हिस्से पर काबिज है, जिस साल 2014 में जनता ने भारी बहुमत देकर जिताया था, उसी बीजेपी के घोषणा पत्र में तमाम तरह के दावे किए गए थे कि भारत के हर एक गांव तक बिजली, पानी और सड़कें पहुंचाई जाएंगी। लेकिन केंद्र में मोदी सरकार को बने पूरे 4 साल हो गए हैं। पीएम ने ट्वीट करके शाबाशी भी बटोरनी चाहिए, मगर सच्चाई कुछ और ही है। आपको यूपी के झांसी के एक गांव लिए चलते हैं जिसकी तस्वीरें कुछ और ही बयां करती है। हम बात कर रहे हैं झांसी जिले के कटेरा ग्राम पंचायत, जहां पर आज भी गांव के लोग बिजली, पानी और सड़कों से महरूम हैं। जबकि खुद पीएम मोदी ने आज से 1 महीने पहले ट्वीट करके ये दावा किया था कि भारत के हर एक गाँव तक पर्याप्त बिजली पहुँच रही है। और इतना ही नहीं, बीते 26 मई को पीएम मोदी ने ओडिशा के कटक की जनसभा में आत्मविश्वास से भरी आवाज में ये कहा था कि उज्ज्वला योजना के तहत 4 करोड़ महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन दिए गए हैं। ये देश के लाखों समूहों के 4 वर्षों के अथक परिश्रम का परिणाम है कि आज देश के उन 18,000 से ज्यादा गाँवों में भी बिजली पहुँच चुकी है, जो अब भी 18वीं शताब्दी में उस अंधेरे में जीने के लिए मजबूर थे। लेकिन सच्चाई खुद कटोरा ग्राम की महिलाएं सुना रही हैं, जिन्हें आज तक उज्ज्वला योजना के तहत एक भी गैस सिलेंडर नहीं मिला है। हमारा साजीरा में रहते हैं, कटेरा ग्राम पंचायत में, ठीक है। यहाँ पे 70 साल हो गए आजादी से, अभी तक लाइट नहीं आई है यहाँ पे, और कई समस्या है, मूलभूत समस्या कही है, अफेक्स नहीं डला यहाँ पे, और कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, मूलभूत कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे, ना कोई स्कूल है यहाँ, इंटर कॉलेज है, कोई समस्या, मतलब यहाँ से आज तक कोई विकास ही नहीं हुआ है। हमारे गांव की ये परिस्थिति है कि हमारे जो फेस कूलर रखे हैं सर, लाइट के बिना कभी चला नहीं पाते हैं। हमारे गांव में जो लाइट की बड़ी समस्या है, आज तक कभी आई नहीं लाइट, हम लोगों ने देखी भी नहीं आज तक कि लाइट होती कैसी है, ना कभी हमारे बच्चों ने कभी टीवी देखी है कि हमारे गांव, हमारा भारत देश में कौन प्रधानमंत्री है, कौन मुख्यमंत्री है, आज तक किसी ने कुछ देखा ही नहीं है। मतलब इतने हम लोग पिछड़े हैं सर कि आज तक हम लोगों ने लाइट देखी नहीं। हम लोगों की इच्छा है कि हमारे गाँव में लाइट आ जाना चाहिए सर, और जो हमारे बच्चे हैं ऐसी गर्मी में हम लोगों को पेड़ों के नीचे लिटाना पड़ता है। कटोरा गांव में आलम यह है कि अंधेरे तले महिलाओं को चूल्हे पर रोटियां सेकनी पड़ती हैं, बच्चों की पढ़ाई पर खासा असर पड़ रहा है, और टूटी फूटी सड़कें भी बीजेपी के द्वारा करवाए गए विकास के सभी दावे फेल करती हुई नजर आ रही है। और जब इसी संदर्भ में खबरें अभी तक की टीम ने ग्राम प्रधान से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बाहर होने का हवाला देते हुए मिलने से इनकार कर दिया। कि साजेरा गांव जो है, गांव या मजरा जो भी है, लगभग 600 की आबादी है और अभी तक वहां पे विद्युतीकरण नहीं किया गया है। इस संबंध में CM हाइडल जो मऊरानीपुर के हैं, उनसे वार्ता की गई है और उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब मुझे नहीं दिया गया। इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण भी प्राप्त किया जा रहा है कि किन परिस्थितियों में उक्त गाँव को किसी योजना के अंतर्गत आच्छादित नहीं किया गया। इस संबंध में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और उसके पश्चात DDU GKY दोनों स्कीमें संचालित थी, जिनमें इस तरह की सभी जो आदिवासी बस्तियाँ हैं उनको बिजली से कनेक्शन दिए जाने के प्रावधान हैं। पावर फॉर ऑल स्कीम जो है, उसमें भी हर एक हाउस होल्ड को हमें बिजली से कनेक्ट करना है, तो शीघ्र ही इसको हम लोग किसी न किसी योजना में आच्छादित करेंगे और गांव का विद्युतीकरण कराएंगे। ऐसे में जनता केवल एक ही सवाल पूछती है कि विकास केवल बीजेपी के शब्दों में ही है, क्योंकि जमीनी स्तर पर बीजेपी फेल होती हुई नजर आ रही है। आज हम खड़े हैं झांसी जिले की ग्राम पंचायत कटेरा में, कटेरा के अंतर्गत एक ऐसा गाँव जिसमें आज़ादी के कई वर्षों बाद भी आज भी पानी और बिजली के लिए तरस रहे हैं गांववासी। वो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन यहां का गांव आज भी
विकास के नाम पर पिछड़ा हुआ है। आइए हम यहाँ के ग्रामवासियों से बात करते हैं कि क्या है उनकी समस्याएं, आपको दिखाते हैं। आपको क्या समस्या है यहाँ पर, क्या आपको परेशानी आ रही है? हमें क्या है समस्या के साहब, हमें जो पतो पाए जावे कि हमारे प्रधानमंत्री को है, हमारे गांव को प्रधानमंत्री को है, तो हम उन प्रधानमंत्री जी ना जे मुख्यमंत्री जी ना जे हम खाना लाइट आ ना शौचालय आ ना कुछ भी आ। आज तक आपको यहाँ पर विकास के नाम पे क्या क्या दिया गया? कुछ नहीं। आप लोगों ने ऊपर तक कहीं फरियाद लगाई? सब कह जाते हैं केवल बस कि हम सब करा देंगे, तुम्हारी लाइट करा दे, शौचालय बना दे, सीसी करा दे, हर चीज करा दे, बिल्कुल सुनवाई होते ही नहीं है। इसलिए हमें प्रधानमंत्री जी से जो कहने कि हमारा देश, हमारा गांव जो देश के प्रधानमंत्री ना जाए तो हम उनना चलिए जी, कि श्रीमान जी हमारे गांव का देख लो जाए। आपने देखा किस तरह से ग्रामवासियों का आक्रोश निकला हुआ है कि आज़ादी को कई वर्ष हो गए लेकिन आज भी ग्रामवासी अपने आप को गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। ना बिजली है, ना पानी है, ना रोड है, ना नाली है। ऐसे में ये गांववासी कैसे गुजर बसर करते हैं, ये यही लोग जानते हैं। खबरें अभी तक के लिए, झांसी से अभिषेक तिवारी।